बहुत सारे बच्चों का टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है इस बार और किस तरीके के उसका एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो टेंशन बिल्कुल मत करिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तीन फेजेस के अंदर पूरी प्रोसेस होती है। पहले के अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, सेकंड के अंदर आप लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है और थर्ड में आप लोगों का सीट एलोकेशन होता है। अब इसके बाद में जब कट ऑफ की बात की जाती है तो आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तीन कैंपसेस के अंदर डिवाइडेड है। पहला है नॉर्थ कैंपस, दूसरा है साउथ कैंपस, थर्ड है आप लोगों का ऑफ कैंपस। तो इन लोगों की जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग जाती है। नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ ज्यादा जाती है एज कम्पेयर टू साउथ और आप लोगों का ऑफ कैंपस होता है, जो होती है आप लोगों की ज्यादा जाती है नॉर्थ कैंपस के अंदर। तो किस तरीके से कट ऑफ होने वाली है और क्या क्या कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो सभी की मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ। तो आप लोग जानते हो कि बहुत सारे कोर्सेज के अंदर एक लैंग्वेज प्लस थ्री डोमेन का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसके स्कोर की जब बात की जाती है तो टोटल हो जाता है 800। तो 800 में से अगर आप लोगों का 730 प्लस आप लोगों का स्कोर आ रहा है तो नॉर्थ कैंपस आप लोगों का पक्का है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर इसके अलावा साउथ कैंपस की मैं बात करूं तो 600 से 650 के बीच में आप लोगों का स्कोर आ रहा है या इससे थोड़ा बड़ा है, तो इजीली आप लोगों के चांसेस हैं कि आप लोगों को साउथ कैंपस मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होती है कट ऑफ थोड़ी नीचे भी जाती है तो नॉर्थ कैंपस की, तो वहां पर भी आप लोगों के चांसेस बनते हैं। और अगर आप लोगों का स्कोर 600 से नीचे आ रहा है, लगभग मैं बोलूं 500 550 600 तक आप लोगों का आ रहा है, तो आप लोगों को ऑफ कैंपस इजीली मिल जाएगा। और इससे नीचे भी मैंने देखा है कि पिछली बार कट ऑफ गई है और वहां पर बच्चों को ऑफ कैंपस मिला है। तो टेंशन बिल्कुल मत करो, तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार आप लोगों को विजिट करते रहना है दिल्ली यूनिवर्सिटी को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पे आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो जुड़े रहिए अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल के साथ।